झारखंड सरकार अभी तक स्थानीय नीति परिभाषित नहीं कर पाई है। स्थानीयता का आधार 1932 होगा या कोई अन्य, उसमें तमाम राजनीतिक दल उलझा हुआ है। समय समय पर इसकी मांग भी तेज होती है, लेकिन मुद्दा यथावत है। इस सबके बीच हाल के दिनों में उपराजधानी दुमका में भीतरी बाहरी का माहौल खूब उछाला जा रहा है। ताजा मामला दुमका बस पड़ाव का है, जहां कल देर रात अज्ञात लोगों द्वारा एक पोस्टर चिपकाया गया। पोस्टर में किसी का नाम नहीं लिखा गया है। लाल रंग से लिखे पोस्टर में लाल रंग की एक चूड़ी भी चिपकाया गया है। पोस्टर में बाहरी भीतरी का जहर घोलकर माहौल बिगाड़ने का एक प्रयास किया गया है। बाहरी मेरा घर छोड़ो जैसे वाक्य भी लिखा हुआ है। रविवार की सुबह लोगों की नजर जब पोस्टर पर गई तो इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टर को जब्त कर लिया। पुलिस तमाम बिंदुओं पर अनुसंधान में जुट गई है। पोस्टर किसने चिपकाया, यह अनुसंधान का विषय है, लेकिन बस स्टैंड में पोस्टरबाजी से चर्चा का माहौल गर्म है। लोगों की जुबान पर तरह तरह की बातें तैर रही है। दरअसल एक सप्ताह से दुमका का माहौल कुछ अशांत है और इसका केंद्र बिंदु बस स्टैंड ही रहा है। पिछले सोमवार को बस स्टैंड के एक कर्मी पर एक युवक के साथ मारपीट का आरोप लगा था। प्रतिशोध में युवाओं की टोली ने बस स्टैंड में जमकर तोड़फोड़ और मारपीट करने के बाद बस स्टैंड के सामने सड़क जाम कर दिया। जाम हटाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। 3 युवकों को हिरासत में लिया गया था। हिरासत में लिए गए युवकों को छोड़ने के लिए युवाओं द्वारा थाना में प्रदर्शन किया गया था। पुलिस ने तीनों युवकों को छोड़ दिया। आरोपी बस स्टैंड कर्मी को जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो मंगलवार की सुबह बस स्टैंड के कर्मी और यूनियन लीडर नगर थाना पहुंचकर धरना पर बैठ गए। मजबूरन पुलिस को भी उसे छोड़ना पड़ा। बस स्टैंड कर्मी बस स्टैंड परिसर में सुरक्षा की मांग लंबे समय से कर रहे थे। एसडीओ के नेतृत्व में बस स्टैंड परिसर की सुरक्षा के मुद्दे पर वार्ता हुई, जिसके अनुरूप परिसर में अस्थायी रूप से सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। 16 CCTV लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। लगा मामला शांत हो गया, लेकिन बस स्टैंड का विवाद अंदर अंदर सुलग ही रहा है। विवाद के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। संथाल परगना मोटर मजदूर यूनियन के अध्यक्ष अरुण सिंह पर संथाल समुदाय की भावना को आहत करने का आरोप लगाया गया। SC ST थाना में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया। अब पोस्टर चिपकाकर बाहरी भीतरी का मुद्दा उछाला गया है। यह मामला काफी संवेदनशील है। गहनता से पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो अपेक्षाकृत शांत समझे जाने वाले दुमका को अशांत होते देर नहीं लगेगी। वैसे जिला प्रशासन ने पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।